ओके फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ग्रीष्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं जा रही हूँ मार्केट, मैं अभी निकली हूँ। थोड़ा सा मुझे पूजा का सामान लेना है, मैंने लिया नहीं अभी तक, जैसे करवा वगैरह, सीका, वो सब लेना है। और थोड़ा सा मुझे मेकअप का भी, मेकअप का मतलब मुझे पर्सनली वाला नहीं लेना है, मुझे चढ़ाने का जो रहता है वो वाला लेना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, फिर आज शाम को मुझे मेहंदी भी लगानी है, अभी लगाया नहीं है, सब रिमूव करना है। मैं सोची अभी सुबह में जाके आऊँ, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्लांट्स हैं, बड़े कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। तो अभी मेरा बच्चा अभी उतरे, जस्ट देखिए आप, अभी हम लोग बिल्डिंग में ही हैं, तो यहीं पे हैं। तो उसको चॉकलेट वगैरह लेना था, मैंने सोचा अपना वीडियो मैं स्टार्ट कर दूं। मार्केट जा रही हूँ, आप लोग को भी मार्केट दिखाती हूँ क्या लेना है, कैसे लेना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना, लेकिन पूजा का सामान वगैरह थोड़ा सा जो लिया नहीं है वो तो ज़रूरी है, वो तो लेना ही है। और छलनी वगैरह तो मेरे पास पहले से है, बट अगर मुझे कोई और अच्छी दिख गई तो मैं वो भी ले सकती हूँ। और कपड़े वगैरह तो मेरे सब रेडी हो चुके हैं, बस शाम को मेहंदी लगाना है, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। तो देखते हैं, फूल वगैरह मिलेगा तो वो भी ले लूँगी, जैसे भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में मार्केट में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैं पूजा की दुकान पे पहुँच गई थी, जैसा कि मुझे लेना था यहाँ पे चौकी और थोड़ा पूजा का सामान लेना था, तो इसीलिए मुझे पूजा की दुकान दिख गई यहाँ पे। तो पहले मैंने कहा पहले चौकी वाला ही सामान ले लेती हूँ, क्योंकि चौकी थोड़ा सा मिलना मुश्किल था, हर जगह मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर मुझे दिख गई थी। ये देखिए सबसे बड़ी जो इसमें थी वो मैंने चौकी लिया था, और बाकी पूजा का सामान लिया था। आगे मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या मैंने लिया है। और फिर उसके बाद सामने एक चाट की दुकान थी, चाट भंडार, पता नहीं कौन सा चाट भंडार तो था, वहाँ पे गई। मुझे लगा मटर वाला चाट वहाँ पे मिलेगा, यही सोच के मैं गई थी, क्योंकि मटर वाला चाट खाया मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 5-6 साल हो गए, गाँव में ही खाया था मैंने लास्ट। तो ये देखा राकेश यादव चाट भंडार कर, पर वहाँ पर मुझे आलू वाला चाट मिला, तो वो मैंने खा लिया था, और टिक्की खा लिया था, बाबू के लिए बर्गर पैक करा लिया था। देखिए कितनी भीड़ मार्केट में, बाप रे। ये देखिए हम लोग अपना सामान लेकर आ गए हैं शॉपिंग करके, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। ये देखो भैया को मेरे चोट लग गई, दिखाओ भैया, दिख रहा है यहाँ पे बैंडेज लग गया इसको। वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, वहाँ से निकल रहा था, वहाँ से इसको चोट लग गई है। अरे देखिए मैंने ये चौकी ली, बहुत सुंदर है ना। और मैंने ये थाली लिया, थाली मम्मी ये थाली की है, ये थोड़ा वाओ कितना सुंदर मटका है, वाओ कितना प्यारा है से। और ये थाली इसकी और से अलग थी, और में सब में वही लेस वाले थे डिजाइन, यही सबसे अलग थी। ये मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये थोड़ी सी अलग है सबसे, सब में लेस ऐसे चिपका रहता ना, ये थोड़े स्पार्कल वाले थे, ग्लिटर वाले। मैंने आपने लिया बर्गर लिया, बर्गर लिया है हम लोग ने, वहाँ पे आलू चाट खाया था, और टिक्की लिया है, और क्या लिया है, मिठाई क्या लिया है, बताता। और ये सब पूजा का सामान है, ये लड्डू गोपाल का कपड़ा है, बहुत सुंदर है, आपको सुंदर है। और ये धूप वगैरह जो भी खत्म हो गया, आपको सुंदर कलावा, आपको सुंदर लगा लड्डू गोपाल का कपड़ा, तो कमेंट बता दीजिएगा। और ये सारे बिंदी, सिंदूर, कोम, रंग, ये सब है श्रृंगार वाले सामान। और ये है मेरा बताशा, इसमें बताशा है, इसको बताशा कहना था। और मुझे बताशा बहुत पसंद है, बहुत पसंद। जब मैंने इसे अपने दादी से बात कर रहा था, तो उसका मुझे नाम नहीं पता था, तो वही मैं बोल रहा था कि ऐसे गोल गोल व्हाइट व्हाइट रहता है, मीठा मीठा, तो उसको नाम नहीं पता था, इसलिए मैं याद दिला रहा था। अच्छा बताशा, एक बार ये था कहीं तो था, प्रसाद में मिला था। और ये मेरा करवा है,
क्या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। मम्मी ये बताओ, बस इतना ही सामान मैंने लिया है। मम्मी मम्मी अभी बज रहे हैं दोपहर, मुझे लग रहा है कितने बज रहे हैं, एक मिनट मोबाइल में ही देख लेती हूँ मैं। 1:30 बज रहा है अभी, फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर जाऊँगी मेहंदी लगाने, ठीक है। मैंने सामान आपको दिखा दिया है, मैं सब यही रखती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। चल जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। रुको आ रही हूँ, मैं सैनिटाइज करके देती हूँ। वो मेरा सबसे अच्छा डिश है। पॉलीथिन छूना मत, मैं आ रही हूँ सैनिटाइज करके दूंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, यही व्लॉग में अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगी मैं। तो हम लोग मेहंदी लगाने जाएंगे, आप मेरा वीडियो बनाना बनाओगे, आप मेरे साथ चलोगे मेरा वीडियो बनाने मेहंदी वाला, उल्लू भी, ठीक है। ओके चलो बाय बाय कर लो जब तक। बाय बाय दोस्तों। हेलो, अभी मैं देखिए नीचे उतरी थी, वो देखिए कोई एक लड़की जा रही है, पीछे आपको दिख रही होगी। तो जैसे मैं नीचे उतरी, ये देखिए सब ले देकर उतरी थी, अपना सैनिटाइजर, अपना वाटर बॉटल बेबी के लिए, मतलब वो भी जा रहा था मेरे साथ में मेहंदी लगाने के लिए। मैं जा रही थी, ये देखिए सब बैंगल्स अपना निकाल के आई थी मैं, नेल पेंट रिमूव करके आई, ये रिंग वगैरह जो भी था सब पूरा करके आई थी। मैं जा रही थी मेहंदी लगाने, तो वो मुझे मिल गई, मतलब सेम बिल्डिंग में ही रहती है, बट मुझे यहाँ पर किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो फिर क्या हुआ बेटा? तो उसने बोला कि उसकी दीदी मेहंदी लगाती है, आप पार्लर में क्यों जा रहे हो, मेरी दीदी लगा देंगी आपको आपके घर पे ही आके। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या, मैंने कल उससे पार्लर वाली से भी पूछा था कि आप आके मुझे घर पे लगा दो, बोले नहीं हमारा बुकिंग बहुत ज़्यादा है, हम लोग 12-1 तो हम लोग को यहीं पर बच जाएंगे, हम लोग घर पर आ ही नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने बोला थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जो भी आपका रहेगा, मतलब यहाँ से 150 रुपये जो आप ज़्यादा लगेगा जो आप ले लेना चार्ज एक्स्ट्रा, बट घर पे आके लगा दो क्योंकि मेरा बेबी है, देखिए मैं जाऊँगी तो कहीं वो जाएगा ही, मेरे साथ वो इतनी देर बाहर बैठे बैठे उब जाएगा, मैं लगवाऊँगी वो क्या करेगा। ओके भैया थैंक यू। देखो वो झूला झूला रहे, मैं झूला झुलाने जा रही थी तो वो बाबू आके उसको झुला दिया। तो फिर वो मिल गई मुझे अभी, उन्होंने बोला कि मैं लगा देता हूँ, सॉरी मैं लगा, मेरी सिस्टर है वो लगा देगी आपको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आके लगा दूँ। तो अभी मैं फिर जा रही हूँ घर पे, ये थोड़ा झूला झूल लेगा, फिर मैं रात को ही लगाती हूँ अपने घर पे, वो आ जाएंगी लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बाय। यहाँ पे बाबू बच्चों के साथ खेल रहा था, तो ये लोग उल्टा झूला झूला रहे थे, उसको बहुत मज़ा आ रही थी बड़े बच्चों के साथ खेल के। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये खेल ले, थोड़ा सा मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, पता नहीं क्यों खराश सी हो रही है गले में। यहाँ पे बाबू खेल रहा था, उसके बाद मैं चली आई थी, मेहंदी लगाना था मुझे। तो ये देखिए मेहंदी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने उनको बोला था कि मतलब थोड़ा अच्छे से लगाना, तो आगे आप खुद ही देख लेना किस तरीके से लगी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ पे वो मैं बोली कि मेरा वीडियो बना दो, मैं यूट्यूब पे डालूंगी, तो बोले आप ब्लॉगिंग करती हो, मैंने कहा हाँ ऐसे ही जस्ट थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। तो वो मेरा वीडियो बनाने लगी थी, तो पूछ रही थी आपका चैनल कौन सा है, वही सब मेरी बात हो रही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, बहुत सेटिस्फाइड तो नहीं थी बट हाँ चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं उनको बता रही थी इसमें किस तरीके से नेट जो है उसको आपको भरना है, तो बोली ऐसे, मैंने कहा नहीं ये वाला रब कर दो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, कॉर्नर से स्टार्ट करके आप लगाओ। मेरी सिस्टर की शादी मैंने वैसे लगाया था, मुझे पसंद आया था वो, तो यहाँ पर मैं उनको वही बता रही थी कि ऐसे ऐसे आप करो क्योंकि मेहंदी मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेहंदी मेरी हमेशा परफेक्ट ही लगे। तो उसकी बहन भी बता रही है कि ऐसे करो आप, ये दोनों बहनें ही आई थी लगाने के लिए, तो मेरी मेहंदी लग गई, आप बताइए कैसी लगी है। कुछ अच्छा मिलता है मैं आपको तुरंत बताता हूं। मम्मी की मेहंदी अच्छी है, मम्मी आगे दिखाओ, मम्मी आगे दिखाओ। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये देखो मेरी मेहंदी लग गई, ऐसी लगी है, अच्छी लग रही है। एक घंटे, एक घंटे क्या, 10 घंटे लग गए। आगे अच्छी लगी है,
कि अच्छी लगी है मेरी मेहंदी, बताना चलिए बोल सब लोग। कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में हाँ। और फिर और बाकी मैं दिखाऊंगी कल जब मेरी मेहंदी का कलर आ जाएगा, है ना बेटा? ठीक है उसके बाद हम लोग करते हैं वीडियो का यहीं पे, रुद्रांत का व्लॉग जरूर देखना। हम लोग यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हिलाओ मत बेटा कैमरा, क्यों हिला रहे हो? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं नहीं दिख रही हूँ, देखो बाय 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 बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।